नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS के तमाम तरीके के एग्जाम होते हैं, तो उसका रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, NVS का रिजल्ट चेक करना आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, NVS के जो रिजल्ट निकलते हैं वो देख सकते हैं इस तरीके के लिस्ट में यानी PDF फाइल में जो है निकलते हैं। तो अब आपको ये रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। ये रिजल्ट आपको दो जगह मिलेगा, एक आपको मिलेगा सरकारीरिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रस्टी भी लिख पुरानी वेबसाइट सरकारीरिजल्ट.com, गूगल पे जब भी सरकारी लिखे लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए। साथ ही साथ ये रिजल्ट मिलेगा रोजगारीजल्ट.com पर, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट। साथ ही साथ इस रिजल्ट को आप NVS के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताते हैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। दोस्तों जब भी NVS की किसी परीक्षा का रिजल्ट निकलता है तो एक PDF फॉर्मेट में निकलता है। तो जब भी आप उस PDF को डाउनलोड करें तो चेक करें कि आपके में जो फाइल डाउनलोड हुई है वो पूरी हुई है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो रिजल्ट खोल रखा है ये टोटल 131 पेज का रिजल्ट है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है स्टार्टिंग का पेज, पहला पेज और एंड वाला पेज, पूरा पेज जो है डाउनलोड हुआ है। पूरा पेज खुलने के बाद यानी पूरा पेज जब आपके मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे जब आपका लोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप कंप्यूटर पे चेक करें तो Ctrl+F दबाना है। Ctrl+F दबाते ही यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको अपना जो रोल नंबर या फॉर्म नंबर जो भी है आपका मांग रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैंने जैसे ही रोल नंबर डाला, देख सकते हैं रोल नंबर क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में था, वो नाम जो है हाईलाइट होकर आगे। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो सर्च वाले ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। जैसे आप उसको चेक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर, बगल में रोल नंबर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको बता दें मैं आपको यहाँ पे, अगर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तो कैसे चेक होगा, मान लीजिए मैं यहाँ 831 था 832 कर देता हूँ, जब 2 करूँगा तो देख सकते हैं जो बॉक्स है ये रेड कलर का आ रहा है। रेड कलर का आ रहा है इसका मतलब है कि जो आपका रोल नंबर है, आपका फॉर्म नंबर है वो जो इस क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें जो है उपलब्ध नहीं है। तो आपको जो चेक करना है, मैं आपको एक रोल नंबर और चेक करके दिखाता हूँ, वो भी मैं फॉर्म नंबर से चेक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो एक रोल नंबर और डालना हूँ, ये देखिए मैंने रोल नंबर डाला, वो भी जो है क्वालिफाइड नहीं होती। चलिए एक नंबर और डाल के आपको चेक कराते हैं। यहाँ पे हमने आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये रोल नंबर भी जो है क्वालिफाइड है। तो जैसे ही क्वालिफाइड होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर आपका नंबर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में होगा तुरंत ही वो नाम जो है आपका हाईलाइट होके आ जाएगा। कलर कोई भी आ सकता है, ये आपके सिस्टम ब्राउजर पे किस सॉफ्टवेयर पे आप चेक कर रहे हैं, किस मोबाइल पे चेक कर रहे हैं उस पर आ सकता है। लेकिन अगर वो हाईलाइट होके आ रहा है ठीक, उसी के सामने आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आप जो इसको देख सकते हैं और बता दें इसका जो मार्क्स वगैरह जब जारी होंगे तो उसकी वीडियो भी जो है हम आपके लिए बनाएंगे। बिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।